गली में। मुहर्रम ताजिया जुलूस के चलते मुंबई में धारावी और गोवंडी मानखुर्द में जारी किया गया था ट्रैफिक अलर्ट। मुहर्रम के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने संदेश देते हुए हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। मुंबई में दो तीन दिन से लग रही जोरदार बारिश का जोर हुआ कम, आईएमडी ने जारी किया था ग्रीन अलर्ट। अम्बुजवाड़ी पहुंचे मेघाताई पाटकर, बारिश में 250 झोपड़ियां तोड़ी गई थी मलाड़ मालवनी में। धारावी में एक मंजिला स्ट्रक्चर कोलैप होने से 45 साल की महिला हुई घायल। बीएसटी बस के काफिले में 10 और नई डबल डेकर इलेक्ट्रिक एसी बस होगी शामिल, 24 बसेस होगी बीएसटी के पास। एयर कार्गो के जरिए स्मगलिंग हुए 306 जिंदा समुद्री जानवरों को डीआरआई ने किया रेस्क्यू। ओशीवाड़ा ब्रिज पर लगे हाई बैरिकेड को तोड़कर ट्रक घुसा। तलोजा में मुमरा के रहने वाले एक शख्स के पास से कंट्री मेड पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया पुलिस ने। बुल्टाना में हुआ दिल दहला देने वाला हादसा, दो प्राइवेट बसेस की हुई आपस में टक्कर, 7 लोगों की जान गई, 20 से 25 लोग हुए घायल। बेंड्रावल्ली सीलिंग पर कार पार्क कर फोटो लेने वाले मर्सिडीज ओनर के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। उद्धव ठाकरे ग्रुप के 3 बार बीएमसी एजुकेशन चेयरमैन रह चुके एक्स नगर सेवक मंगेश सतमकर ने शिंदे ग्रुप को किया ज्वाइन। बीवी का कत्ल करके हार्ट अटैक बताने वाले शख्स को वडाला से किया पुलिस ने गिरफ्तार। महाराष्ट्र एटीएस ने आतंकवादियों को मदद पहुंचाने के मामले में एक और शख्स को किया गिरफ्तार, अब तक 4 लोगों को पकड़ा जा चुका है। छोटा शकील ग्राहक के शूटर लई शेख को ठाणे रेलवे स्टेशन से किया गया गिरफ्तार, जो 25 साल से था फरार। 3,50,000 की गोल्ड ज्वेलरी टैक्सी में भूलने वाली महिला का बैग ढूंढ निकाला मलबार हिल पुलिस ने। मुहर्रम के जुलूस में हुआ बड़ा हादसा, इलेक्ट्रिक करंट लगने से यूपी में 4 और बिहार में 11 आलम लिए लोग हुए घायल। संडे को सेंट्रल लाइन ठाणे कल्याण, हर्बल लाइन पनवेल वाशी, वेस्टर्न लाइन मरीन लाइन माहिम में रहेगा मेगा ब्लॉक, ट्रांस हर्बल लाइन पर कोई भी ब्लॉक नहीं है। विरार में सिग्नल फेलियर के चलते वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेन 1 घंटा देरी से चली। दादर मरीन लाइन टिकट बुकिंग काउंटर का हाल देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, टिकट काउंटर के अंदर बरस रहा है पानी। गांधी जी को लेकर कॉन्ट्रोवर्शियल बुक लिखी संभाजी भिड़े ने कई चौंका देने वाले दावों का किया खुलासा। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर फौरन संभाजी भिड़े की गिरफ्तारी की मांग की फॉर्मर सीएम पृथ्वीराज चौहान ने। चाइनीज बेस कंपनी हायर की पुणे मुंबई नोएडा और दिल्ली के प्रमाइसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की रेड। फैंस को नजरअंदाज करने पर करीना कपूर की आलोचना करने पर ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन ने इंफोसिस के फाउंडर की सराहना। कंगना रनावत ने रॉकी और रानी को लेकर करण जौहर को किया ट्रोल, रणवीर सिंह को कार्टून कहा।